और शेयर आप स्क्रीन पर लेकर आइए। और अवनी जी, आप दोनों को जरा चेक कीजिएगा, CDSL और BSE दोनों में करीब 7-7% के आसपास की तेजी है। और BSE में तो हमें लग रहा है कि नहीं, अब रुकेगा तब रुकेगा, लेकिन रफ्तार थम नहीं रही है और बड़े बड़े मूव्स आ रहे हैं। हालांकि टिक साइज भी कोई छोटा नहीं रहा, करीब 4,500 रुपये के आसपास का शेयर ये हो गया है। आज हाई बना है 4,989 का, हालांकि डे हाई से देखेंगे तो 100 रुपये नीचे आपको ये शेयर दिखेगा। अवनी जी, BSE में क्या करें, बने रहे जिसकी तेजी की पोजीशन है, या फिर आपको लगता है कि शेयर चल बहुत गया है, अगर कोई 50-60% प्रॉफिट टेकिंग कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा वो? विषय की इसका स्ट्रक्चर तो काफी अच्छा है और ये कंटिन्यूएशन पैटर्न में ऊपर ही चलते जा रहा है, लेकिन अब इसका RSI जो है थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में आने लगा है, तो 50% तो नहीं, मैं कहूंगी अराउंड 30% यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। आपको एक ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है करंट लेवल पे बुक करके। अगर ये जब नीचे रिट्रेस होता है करीबन 4520 के आसपास, तो वहां पे आप फिर से खरीदारी कर सकते हैं। इसका ओवरऑल जो टारगेट है ऊपर 5200 तक ये स्टॉक चल सकता है, तो इसमें बने रहना है। लेकिन अभी एक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से यहाँ पे 30% प्रॉफिट बुक करके आप नीचे के लेवल पे फिर से एंट्री कर सकते हैं। इसी को लेकर ये व्यू, अमरदेव जी, आज हम देख रहे हैं कि बाजार में ना एक थीम चल रही है जिसका हम इंतजार था कि कंजम्पशन वाला जो थीम ना थोड़ा सा चले। श्राद्ध खत्म, नवरात्र भी अब तो बीत गए, दिवाली के पहले हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट हो या फिर हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ जो कंजम्पशन रिलेटेड जिसमें कि फूड आइटम वाली जो कंपनीज होती है ना वो चलती हुई दिख रही हैं। आप एक नज़र रेमंड पर मुझे व्यू दीजिए, अच्छी आज रफ्तार है, 1700 रुपये के लेवल को इसने पार भी किया है रेमंड के शेयर ने। क्या इसमें लगता है कि तेजी और अभी सस्टेन करेगी रेमंड में? तो यदि मैं रेमंड के बारे में बात करूं तो ओवरऑल एक बहुत अच्छी खासी तेजी तो इस स्टॉक ने हमें दिखाई है, और फिलहाल जो है वो एक करेक्टिव मोड में ये स्टॉक दिख रहा है। और लेकिन क्योंकि ये काफी लॉन्ग टर्म, यदि मैं चार्ट्स की बात करूं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखो, तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका अभी भी काफी स्ट्रांग और पॉजिटिव है, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये जो करंट लो बना है वो होल्ड रेमंड यदि करता है तो वी कैन एक्सपेक्ट अ शार्प रैली टुवर्ड्स 1800-1850 लेवल्स। तो उस पर्सपेक्टिव से इसे जरूर देखा जा सकता है। और यदि मैं स्टॉक पीई की भी बात करूं तो रफली अराउंड 20 है, और सेल्स ग्रोथ भी देखूं तो दैट ऑल्सो इज 37-38% लास्ट 3 ईयर्स का देखूं, तो ओवरऑल देर इज अपॉर्चुनिटी फॉर दिस। और ये डाइवर्सिफाइड है इनटू टेक्सटाइल्स और अदर सेक्टर्स में इंक्लूडिंग रियल एस्टेट, तो उसका भी बेनिफिट मिल सकता है। हाँ, ये जरूर है कि ये क्वार्टर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, पर ये जो भी रीसेंट लोज है दे आर वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अपसाइड में 1800-1850 का शॉर्ट टर्म में एक लेवल देखा जा सकता है। 1850